अब देखते हैं दूसरा अध्याय, आ की मात्रा। छाता यानी अम्ब्रेला, धागा यानी थ्रेड, ताला यानी लॉक, कार यानी कार, माला यानी गारलैंड, गाय यानी काऊ। इन शब्दों को समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। नाम, दाल, काला, बादल। और इन शब्दों को किस तरह से लिखना है ये हम अब जानेंगे। ज्ञा आ की मात्रा, न ज्ञान, मा आ की मात्रा, मा आ की मात्रा, मा मा, स आ की मात्रा, त सात, त ब ल आ की मात्रा, तबला। रमन का मामा आया। रमन का मामा आया, वह नया बाजा लाया। रमन बाजा बजाएगा, रमन का मामा गया, फाटक पर ताला लगा।